सारे पार्टी के सब लोग यहाँ आए और मिले जुले, और आप देखें कि बहुत ही अच्छे माहौल में, एक भाईचारा के माहौल में मिले, और इस यही पैगाम ईद और ऐसा मौका देता भी है। बेटे जो हैं वो महागठबंधन के हिस्सा हैं, क्या ये जो दूरी है एनडीए और महागठबंधन की, इसका असर कभी आप दोनों के बीच में पड़ा है कभी? अब आज के जितने लोग आए, महागठबंधन के भी लोग आए और एनडीए के भी लोग आए, तो इससे आप पता चला लिए कि सारे लोग मतलब के पॉलिटिक्स को अलग कर दें आप। हाँ। ये तो हमने पहले भी कहा कि चुनाव हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़े, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद एक ऐसा माहौल, एक ऐसा प्रेम भाव रहता है, ऐसा भाईचारा रहता है कि कहीं से कोई खटास नहीं रहता, कहीं कोई कड़वाहट नहीं रहती। इस भाई अगर 2024 में पिता के खिलाफ प्रचार करना पड़े तो ये एक सवाल है ना। देखिए जब 24 आएगा तब देखा जाएगा 24 का, अभी से क्या बोले उसमें। अच्छा, खगड़िया से ही लड़ेंगे 24 में? मेरा इरादा तो है, खगड़िया में हमने काम किया है, समय दिया है, वहाँ की जनता जो है बहुत स्नेह प्यार, वोट तो अलग बात है, लेकिन जो प्यार उसने दिया वहाँ के लोगों ने, तो मेरी तो ख्वाहिश जरूर होगी वहीं से लड़ें। नमस्कार, मैं हूँ देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ईद का मौका है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर हैं और उनके बेटे जो कि सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी से विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन जो हैं वो मौजूद होंगे। ईद का मौका है, देखा गया कि आपके घर पर एक तरह से रौनकें बाहर आई थी, पक्ष के हों विपक्ष के हों सारे नेताओं का जमघट जो है वो आपके घर पर आज दिन भर लगा रहा। चलिए, खुशी होती है कि जिनको 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 कहे हम सभी लोग आए, और पक्ष पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, ईद का मौका है और बिहार के जितने भी पार्टी के जो भी मान्य नेता हैं सभी हम लोग से बहुत ही अच्छा रिलेशन है, सबका अच्छा ताल्लुक़ है, सब भाई हैं। पार्टी कहीं अलग हो, चुनाव हम लोग लड़े, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, जैसे आप देखें मुकेश सहनी भी आज आए और एक डेढ़ घंटा दो घंटा बैठे, और यही संस्कृति हम लोग की पूरे भारत की रही है, और पॉलिटिक्स अपने जगह में, चुनाव अपने जगह में, लेकिन हार जीत के बाद जो है आदमी एक दूसरे से मिलता जुलता है, ख़ास करके दुर्गा पूजा हो, होली हो, ईद का मौका हो, ऐसे मौका पर तो हम लोग सबको एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे के घर जाना चाहिए, और यही चीज़ बहुत खुशी होती है कि जिस पार्टी के हों, जिनको हमने फ़ोन से बात किया या कार्ड भिजवाया, सभी लोग आए, और जो नहीं भी आ सके क्योंकि ईद का मौका है, अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादातर लोग रहते हैं, अपने एरिया के लोग से मिलते हैं, तो उनकी मजबूरी रही, और अगर ऐसा नहीं होता तो और भी हम समझते हैं कि बहुत लोग आते, लेकिन जिन लोग आए सब बहुत ही गणमान्य, हम लोग को सौभाग्य हम लोग का है कि सारे पार्टी के सब लोग यहाँ आए और मिले जुले, और आप देखें कि बहुत ही अच्छे माहौल में, एक भाईचारा के माहौल में मिले, और इस यही पैगाम ईद और ऐसा मौका देता भी है, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई, हम लोग का सम्मान बढ़ा, सब लोग आए। हाँ, एक सवाल कि आपके घर के जायकों की तारीफ लगभग हर नेता ने खूब की, हर साल आते हैं, कहा कि यहाँ के जो स्वाद है ना वो शायद कहीं ना मिले, ऐसा क्या है? उनका बड़प्पन है जो इतना तारीफ़ की है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग आए और एक अच्छे माहौल में ईद मनाया गया हमारे यहाँ, और हाँ हमारे यहाँ पकवान अच्छा बनता है। क्या इसका अगर मैं पूछूँ राज क्या है? अच्छा बना लेते हैं हमारे घर पे सब लोग। राज ये है कि जिन लोग आते हैं उनका प्यार इतना है कि जो अच्छा न भी होता उस भी अच्छा लगता है उनको, ये हम हाँ। लोग के लिए खुशी की बात है, और उन सब का सम्मान है, सबका प्यार है, यही बात है कि उनको अच्छा लगता है। सिर्फ खाना अच्छा लगना, एक अच्छे माहौल में सब लोग आते हैं, खुशी खुश खुर्रम हो करके आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो इससे हर चीज़ का स्वाद बढ़ जाता है। एक आखिरी सवाल, सियासी सवाल 2024 को लेकर, आप चूंकि खगड़िया के सांसद हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, और आपके बेटे जो हैं वो महागठबंधन के हिस्सा हैं, क्या ये जो दूरी है एनडीए और महागठबंधन की, इसका असर कभी आप दोनों के बीच में पड़ा है कभी?
अब आज के जितने लोग आए, महागठबंधन के भी लोग आए और एनडीए के भी लोग आए, तो इससे आप पता चला लिए कि सारे लोग मतलब के पॉलिटिक्स को अलग कर दें आप? हाँ। ये तो हमने पहले भी कहा कि चुनाव हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़ें, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद एक ऐसा माहौल, एक ऐसा प्रेम भाव रहता है, ऐसा भाईचारा रहता है कि कहीं से कोई खटास नहीं रहता, कहीं कोई कड़वाहट नहीं रहती। यूसुफ भाई, अगर 2024 में पिता के खिलाफ प्रचार करना पड़े तो? ये एक सवाल है ना। देखिए, जब 24 आएगा तब देखा जाएगा 24 का, अभी से क्या बोले उसमें। अच्छा, खगड़िया से ही लड़ेंगे 24 में? मेरा इरादा तो है, खगड़िया में हमने काम किया है, समय दिया है, वहाँ की जनता जो है बहुत स्नेह प्यार, वोट तो अलग बात है, लेकिन जो प्यार और स्नेह दिया वहाँ के लोगों ने, तो मेरी तो ख्वाहिश जरूर होगी वहीं से लड़ें। चलिए, थे महबूब अली केसर और साथ में उनके बेटे, हमसे उन्होंने बातचीत की। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4।